पीठ पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड लिया है मैंने 4 पीस देख सकते हैं, और लिया है मैंने आलू, आलू 2 आलू को हम बॉईल कर लिए, मैश भी कर लिए है, और लिया है मैंने टोमेटो सॉस 3 चम्मच, और लिया है बेसन 100 ग्राम, इसको हम बेटर बनाएंगे। मसाले में लिया है मैंने नमक 1 चम्मच, अदवा पाउडर 1 चम्मच, लहसुन पाउडर, गोटा जीरा 1/2 चम्मच, और धनिया पत्ता को मैंने बारी बारी काट लिए हैं, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। इस सब मसालों को हम आलू का मसाला जो बनाएंगे उसके साथ ऐड करेंगे। और तेल लिया है मैंने ब्रेड को फ्राई करने के लिए और आलू मसाला बनाने के लिए। तो पैन मेरा गर्म हो गया, इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल दिए, अब देंगे गोटा जीरा, देंगे चुटकी भर नम हल्दी, और मैश हुए आलू को हम डाल देते हैं। सब कुछ अच्छे से मिला लेते हैं। मिला लिए मैंने, अब देंगे नमक स्वाद अनुसार, इसको भी हम मिला लेते हैं। अब देंगे लाल मिर्च पाउडर, अदवा पाउडर, लहसुन पाउडर, कटी हुई धनी पत्ता, सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो मसाले मेरा रेडी हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं, मसाले को थोड़ा देर ठंडी होने रखते हैं। अब मैं बेसन के ऊपर दे रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, इसको हम बेटर बनाएंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देके बेटर बनाएंगे, और थोड़ा मसाला था उसको भी डाल दिए हमने। उसमें डालते हैं पानी, पानी देके अच्छे से मिला लेते हैं। तो बैटर मेरा रेडी हो गया है, देखिए इस तरह से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, इसको हम साइड कर लेते हैं। और ब्रेड के ऊपर हम जो सॉस रखा है सॉस को लगा लेंगे, देखिए इस तरह से। तो सॉस मैंने लगा लिया है, आप जो आलू मसाला बनाए हैं उसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा लेते हैं। और 1 ब्रेड के ऊपर भी सॉस लगा लेंगे, इस तरह से रख दिए है उसके ऊपर, इसको हम बाद में काटिंग करेंगे। आप ऐसे भी काट के खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और 1 भी इस तरह से हम कर लेते हैं। सेम प्रोसेस में अब इसको हम चाकू से काट लेते हैं। तो काट लिए है मैंने, और 1 भी काट लेंगे। काटा मेरा हो गया है, देखिए सब काट लिए मैंने। इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, इसमें हम तेल डाल देते हैं ब्रेड को फ्राई करने के लिए। अब जो ब्रेड है इसको ऐसे जो बैटर बनाया है उसके ऊपर इस तरह से डुबो के थोड़ा जल्दी
उठा के कढ़ाई में डालना पड़ेगा। कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसको हम लो फ्लेम में पका रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। आप लोग भी एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, ये चाय के साथ या सॉस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को टिफ़िन के लिए तो बहुत अच्छा होता है। ऊपर में जो कच्चापन है तेल ले के इस तरह से कर देने से ऊपर का भाग भी पक जाता है। देखिए तो फ्राई हो गए हैं, एक बार पलट दिए मैंने। देखिए फ्राई हो गया है कितना अच्छे से, देख सकते हैं आप लोग। और एक मिनट रख के हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो फ्राई हो गया है, इसको निकाल लेते हैं और एक टू फ्राई करके आप लोग को दिखाती हूँ। बैटर में डुबो के थोड़ा जल्दी उठाइएगा। सेम प्रोसेस में इसको भी फ्राई करेंगे। फ्राई हो गए, इसको भी निकाल लेते हैं। बाकी दो ठों को भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो रेडी हो गए मेरे ब्रेड पकौड़ा। अब इसको आप लोग चाय के साथ या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।